हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द व्लॉग। टुडे इज 18th ऑगस्ट। तो रात हो रहा है, वीकेंड का लास्ट डे सैटरडे। तो ऐसा है ना कि सैटरडे है तो पापा का तो व्रत चल रहा है, पापा चले गए मंदिर। मैंने भी अभी नहा लिया है और अभी तबीयत थोड़ी सही लग रही है मुझे, क्योंकि कल रात से बहुत भयंकर तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा हो रहा था ना कि उठू ही नहीं। सुबह भी जैसे तैसे मैं उठा, फिर नहाने के बाद तो आप सब समझ सकते हैं, नहाने के बाद जैसा आपको लगता है कि फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, तो अभी फ्रेश फील हो रहा है। और बोल सकते हैं ना कि ज़िंदगी बीमार होने के बाद ऐसा लगता है ना कि रुक गई। और अभी इस वीकेंड के एंडिंग पे तो मेरे बहुत सारे काम हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी मैं बिल्कुल भी तबीयत मेरी ख़राब हो और मुझे मेरा कोई भी काम रुक जाए। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैंने नहा लिया है और आज मैंने लोअर और टी शर्ट ही पहना है, क्योंकि मैं जब भी जीन्स पहनता हूँ या जब भी शॉर्ट्स पहनता हूँ तो कमबख्त बारिश आ ही जाती है। और आज बिल्कुल मौसम को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बारिश नहीं आएगी। तो अब चल रहे हैं हम मंदिर और मिलते हैं आपसे मंदिर जाके। और घर का काम लगभग इसलिए बोल सकते हैं ना कि जो सीमेंट का और वो सब का काम है वो लगभग हो गया है। अब सब काम जो भी है वो फिनिशिंग का ही रहा है, और इसके बाद फर्नीचर का भी स्टार्ट होने वाला है थोड़े टाइम में। और बहुत कुछ है, थोड़ा काम और ज़्यादा बढ़ा दिया है तो वो सब तो आपको दिख ही जाएगा। तो वेट एंड वॉच, थोड़ी इतना टाइम वेट किया है तो लगभग दिवाली तक और वेट करते हो, इसके बाद तो घर आपको दिख ही जाएगा। और लगभग पीओपी का काम हो गया, थोड़ा ऊपर ऊपर का बता देता हूँ मैं आपको। पीओपी का काम लगभग हो गया और पीवीसी का थोड़ा सा काम बाकी है जो भी चल रहा है, तो वो भी हो जाएगा लगभग 2-3 दिन में। और नवरात्रि में शायद फर्नीचर का काम भी हो जाए, तो फिर तो मुझे रूम से भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा शॉप से ब्लॉग स्टार्ट करूँगा और शॉप पर ही ब्लॉग एंड कर दूँगा, क्योंकि फिर रूम पर भी काम चलेगा। रूम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आपको पता पड़ ही जाएगा। तो अब बोलते हैं ना कि सीधा चलते हैं मंदिर और दिन की शुरुआत करते हैं शिव जी के दर्शन करके, और आपके भी दिन की शुरुआत करवाते हैं शिव जी के दर्शन करवा के। तो चलिए मंदिर जाके मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस, डे में तो कुछ शूट कर नहीं पाया था, अभी मुझे गणेश में जा गणेश जी की स्थापना कर रखी है, वहाँ पे इन्विटेशन आया है, उन बच्चों ने बुलाया, क्योंकि ऐसा ना इस बार गांव वालों ने किसी ने भी कोई ऐसा कुछ करा नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से लोग अपने सब और जो हमारे साथ के लोग थे वो सब भी अब बढ़ गए, सब अपने कामों में से बिजी हो गए। तो छोटे छोटे बच्चों ने कुछ काम करा है, तो अभी उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है तो मैं चलता हूँ वहाँ पर। और सबसे मेनली तो अपने खुद के घर पर चलूँगा, तो अपने घर पर जाता हूँ और मिलता हूँ मैं आपसे घर जाने के बाद। इसलिए मेरे नहीं, गणपति बापा जाकर रखे हुए वापस जाने के बाद। हाँ बोल। हाय गाइस, आई एम वंश पंचाल। तो आज हम यश भैया के व्लॉग्स में आ चुके, तो हम सब ने मिलकर ये गणपति बापा का आयोजन किया है, तो आप भी देखें और आगे आगे तक हमारा वीडियो पहुँचाए। ये हमारी पूरी टीम है, ये हमारी पूरी टीम, तो आप भी हमारे गजानन जी के इंट्रोडक्शन ले सबका इंट्रोडक्शन। लास्ट है ये सब, ये है हमारा शुभम प्रजापत, काव्य प्रजापत, हिम प्रजापत, सब प्रजापति है, केवी दमन कुशवन दमन सब यही है। तो हमारे गजानन जी के दर्शन कीजिए, कल विसर्जन में सुबह 10 बजे जरूर जरूर पधारे। धन्यवाद। सो फाइनली गाइस, आ गया हूँ मैं वापस रूम में, और अभी कंडीशन ऐसी कि तबीयत बहुत सही हो रही है, क्योंकि कल मुझे बाहर जाना, अगर अभी बीमार रहा मैं तो कल बाहर नहीं जा पाऊँगा। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ जाने के बाद जो खुशी और वो सब होता है ना, कि जो इज्जत रेस्पेक्ट बोले तो वो लगता है ना एक व्लॉगर को मिलती है, तो उन सबको अच्छा लगा मेरा आना, और वो सब बहुत खुश भी थे। और वो सब मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि लाइफ में कुछ कुछ खुशियों के पल जो होते हैं जिनको आपको अपने तक ही रखना चाहिए, वो सब मैंने संभाल के रखा। वीडियो बनाई पर उसको मैंने बिल्कुल भी इसलिए ऐसा सोचा है कि अपलोड ना करूं, क्योंकि थोड़े मोमेंट है जो प्राइवेट रहने चाहिए, और ऐसा है ना कि थोड़ा बहुत शौक भी नहीं होना चाहिए। तो उन सब का प्यार, उन सब ने बताया मुझे कि कल मुझे जल्दी भी उठना है, शॉप को भी जल्दी से रेडी होना है, शॉप को भी जल्दी से रेडी करना है, और फिर उसके बाद मुझे जाना है वहाँ पर, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि यश भी आपको आना ही है एनी हाउ। और मैं 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ कल मैं जाऊँगा, पहले मुझे कुछ भी हो जाए। आज की तबीयत ख़राब थी, टैबलेट लेने के बाद मैंने अच्छा सा रेस्ट किया दिन में, क्योंकि आपको ही पता पड़ेगा हुआ दिन का कोई भी शूट नहीं लिया मैंने। और अब करते हैं व्लॉग को यहाँ पे एंड। आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको थोड़ा बहुत चेंज लगा होगा मेरी तबीयत में, और
अब सबकी बोल सकते हैं ना कि थोड़े बहुत लोगों का प्यार और उन सब की वजह से तबीयत जल्दी से सही होगी, क्योंकि सर्दी मुझे ऐसे जाती नहीं है। लगभग होता है ना कि एक वीक तो चाहिए ही उसको भी, वो आती है तो घर बनाती है, घर बनाने के बाद यहीं रुक जाती है, फिर एक हफ्ते बाद अपने आप चली जाती है, तो वो सीन है। तो अब सर्दी हो गई रवाना, और अभी मैंने क्या कल से मैं नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि गरम को इसलिए गरम को गरम काटता है तो ठंडे को ठंडा ही काटेगा। सर्दी थी मेरे को तो मैंने कल बहुत सारी चॉकलेट खाई, बहुत सारी चॉकलेट खाने का दिन में ही बहुत सारी चॉकलेट खाई, और अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि अभी भी मोती चूर के लड्डू खा के आया हूँ मैं। और अभी बस ये है कि मुझे ध्यान नहीं रखना है कि थोड़ी टाइम तक तो पानी नहीं पीना है, और उस चक्कर में सर्दी चली गई है ऐसा लग रहा है। और विक्स लगा के सोएंगे आज भी, सबका मेन सीन तो ये है। तो आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कल शायद कल के दिन के दो व्लॉग होंगे। सेकेंड वाला तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, फर्स्ट वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मज़ा आ जाएगा उसमें भी और आपको देख के भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद वाले व्लॉग्स तो आप मान के चलिए आपको इच्छा नहीं होगी फिर भी आप आधा अधूरा मत देखो, पूरा देखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्या सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब करते हैं व्लॉग को यहाँ पे एंड, और मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में।